हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हि एम बैक विद अनदर वीडियो तो दिस इज द पार्ट फाई ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम तो इसके पहले मैंने चार वीडियोस आपको दे दिए हैं जिसमें हमने काफी सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एम को डिस्कस किया है विथ फुल कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो वो सारे वीडियोज़ को देखें ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तो आगे हम बढ़ेंगे अभी पार्ट uh, फिफ्थ में और कुछ नए एम डिस्कस करेंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स के भी एम आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ धीरे धीरे तो इसके साथ अभी हम मार्केटिंग का शुरू कर रहे हैं तो मार्केटिंग के भी आपको वीडियोज अभी मिलने वाले हैं जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन अ कंपनी के नॉट बाय बैक डैश परसेंटेज ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी कैपिटल इन एनी फाइनेंशियल ईयर तो काफी इजी एम क्यू है ऑप्शन आर 24%, 25%, 29% या 30%। तो इट्स वेरी इजी। इसका राइट आंसर है कंपनी जो है बायबैक नहीं कर सकता 25% से ज़्यादा तो 25% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी कैपिटल इन एनी फाइनेंशियल ईयर सेकेंड क्वेश्चन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन अंडर हेड डैश इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी फिक्स असेट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शेयर कैपिटल या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कहाँ हम शो करते हैं हमारे बैलेंस शीट में वर्टिकल बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर तो वो हम शो करते हैं फिक्स असेट्स के हेडिंग में तो रिमेंबर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन अंडर हेडिंग ऑफ फिक्स असेट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज ट्रीटेड एज टेंजिबल असेट्स करंट असेट्स फिक्टिशियस असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर इशू एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ये सारे हम इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के चैप्टर में इसको राइट ऑफ करने का काम करते हैं थ्रू कैपिटल रिडक्शन एंड दैट इज द पॉइंट्स विच आर ट्रीटेड एज फिक्टिशियस असेट्स तो उसे हम क्या ट्रीट करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज फिक्टिशियस असेट्स फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक असेट्स या फिर यहाँ पे मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस नो न्यू कंपनीज फॉर्म ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस है इसमें से इसमें नई कंपनी फॉर्म नहीं होती एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन जिसमें नई कंपनी फॉर्म होती है अमालगमेशन में भी नई कंपनी फॉर्म होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कारपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी नई कंपनी फॉर्म होती है और लास्ट आपका ऑप्शन बचता है राइट आंसर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में वी आर डूइंग अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल सो यहाँ पे कोई भी न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती तो राइट right आंसर इसका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इफ द फेस वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ असेट इज एप्रिसिएटेड अगर असेट्स की वैल्यू एप्रिसिएट होगी एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है असेट्स की वैल्यू बढ़ना अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा नो चेंज इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड तो इसका राइट right आंसर है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज क्रेडिटेड सिंपल रूल है अगर की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा जहां पे भी वहाँ कैपिटल रिडक्शन हमेशा क्रेडिट होगा और जहाँ पे भी लॉस होता है कैपिटल रिडक्शन हमेशा डेबिट होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स द जर्नल एंट्री फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इन कैश इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो ध्यान रखना एक सिंपल रूल बताता हूँ जहाँ पे भी पेड वर्ड आएगा यहाँ पे देखो पेड वर्ड है जहाँ पे भी पेड वर्ड आएगा वहाँ पे बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा तो क्रेडिट किधर है बैंक अकाउंट देखो फर्स्ट पॉइंट में क्रेडिट है और लास्ट पॉइंट में क्रेडिट है लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका जर्नल एंट्री हमेशा कैपिटल रिडक्शन के थ्रू होता है तो इसका राइट एंट एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अकाउंट डेबिट बैंक राइट एंट्री फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्प्यूटेड इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज ट्रीटेड एस करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फिक्स लाइबिलिटी या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो डिस्प्यूटेड झगड़ा हुआ है उसके बेसिस पे इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो होगी वो क्या ट्रीट की जाएगी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जो हो सकती है या नहीं भी हो सकती क्वेश्चन नंबर एट ध्यान से पढ़ना अभी काफी इंपॉर्टेंट है इफ द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज टू लैक्स बिल्डिंग की वैल्यू टू लैक्स है एंड इट इज रेड्यूस ध्यान रिडक्शन अकाउंट इज डेबिटेड बाय फिफ्टी थाउजेंड वन लैख फिफ्टी टू लैख या थ्री लैख फिफ्टी ध्यान रखना, रखना जब भी आपके क्वेश्चन में टू वर्ड आएगा यहाँ पे है एंड इट इज रेड्यूस टू रुपीज वन लैख फिफ्टी तब हमें डिफरेंस लेना है सिंपल रूल है जब कभी भी टू वर्ड आएगा तो डिफरेंस लेना है जब कभी भी बाय वर्ड आएगा तो डायरेक्ट अमाउंट लिखनी है तो यहां पे डिफरेंस क्या है टू लैक्स और वन लैख फिफ्टी का डिफरेंस है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन बाय बैक ऑफ शेयर्स मस्ट बी ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो बायबैक जो है वो ऑथोराइज होना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे इफ इट इज ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देन ओनली वी कैन गो फॉर बाय बैक क्वेश्चन नंबर टेन इंटरेस्ट पेड इज डिस्क्लोज अंडर डैश कॉस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है उसमें जो इंटरेस्ट हम पेमेंट करते हैं अभी इंटरेस्ट पेड बोला तो इंटरेस्ट इज is... दैन एक्सपेंस ओवर हीयर अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड करेंगे तो हमारे लिए इनकम है तो वो कौन से कॉस्ट में दिखाया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट। तो इंटरेस्ट जो पेड है दैट इज़ एन फाइनेंशियल एक्सपेंस तो इसीलिए वो दिखाया जाता है फाइनेस कॉस्ट के अंदर ट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करें और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले वहां पे सारे पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ वहां पर आप शेयर नहीं कर रहे हो देखो पीडीएफ में सारे के सारे पीडीएफ को कंबाइंड करके एक साथ शेयर करने वाला हूं ताकि एक एक पीडीएफ आपके पास पढ़ने के लिए ना रहे तो एवरी पीडीएफ विल बी एवरी सब्जेक्ट पीडीएफ विल बी कंबाइंड टुगेदर देन आई विल बी शेयरिंग देयर ताकि आपको पढ़ने में इजी जाए तो दैट सेट फ्रॉम दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज आगे की वीडियोस के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर